नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बटन ही होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन करने का काम करता है। तो कृपया करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए, एनकरेज जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी शेयर कीजिए सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयरचैट, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। ठीक है जी, बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ग्रुप सी के रिलेटेड, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि HSSC ग्रुप सी का मेन्स की, जो कि एग्ज़ाम की मेन डिटेल है, कितने ग्रुप में होगा इनका, नहीं होगा एग्ज़ाम, किनका है स्टे, ग्रुप सी मेन एग्जाम डेट, चार गुना कैसे बुलाएंगे कैंडिडेट, ग्रुप सी के 5 अंक पुलिस भर्ती, सारे के सारे A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। पूरी वीडियो जानकारी के लिए जरूर देखिएगा, कोई स्किप ना करे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो ये पूरी अपडेट है जी, आज की लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ग्रुप हरियाणा ग्रुप सी के 13 ग्रुपों में 4 गुना से भी कम उम्मीदवार। पहले चरण में इन सभी 13 ग्रुपों की होगी परीक्षा। इन ग्रुपों के लिए लिखित परीक्षा जून के आखिरी सप्ताह में शुरू होगी। ग्रुप सी की, डी की नहीं जी, सी की, जो कि मेंस का एग्जाम होना, आखिरी सप्ताह में शुरू होगी। ठीक है जी, और उसके बाद देख सकते हो ग्रुप सी के अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षाएं जुलाई महीने जारी रहेगी, अगस्त में संपन्न होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने ये कहा जी, लिखित परीक्षा जो है इस महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू करेगा, तो पूरे जुलाई महीने में परीक्षाएं होती रहेंगी और अगस्त में संपन्न होंगी। पहले चरण में 13 ग्रुपों में होंगी परीक्षा, क्योंकि इनमें 4 गुना से भी कम उम्मीदवार होंगे। ठीक है जी, ये आज की एक्सक्लूसिव खबर है, सबसे बड़ी खबर है जी। और उसके बाद आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने मंगलवार को दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत करते हुए जानकारी दी। स्टाफ नर्स, जूनियर कोच, शिफ्ट अटेंडेंट, LLM और मॉडल, MPHW डिस्पेंसर, आयुर्वेदा रेडियोग्राफर, डेंटल हाइजीनिस्ट, ऑप्टोमिक सहायक, ऑपरेशन थिएटर सहायक, वर्क्स सुपरवाइजर और ग्रुप नंबर 49 के लिए जून के आखिरी सप्ताह में होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। ये जो आपको पोस्टें बताई हैं जी, यहाँ से शिफ्ट अटेंडेंट स्टाफ नर्स से लेकर, यहाँ से स्टाफ नर्स से लेकर ये जो पोस्टें यहाँ तक आपको बताई हैं 49 नंबर ग्रुप तक, ये जून के आखिरी सप्ताह में इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 4 गुना उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए बुलाने हैं, मगर ये ऐसे पद हैं जिनके लिए उन सभी उम्मीदवारों को लिखित, जिन्होंने लिखित आवेदन किया है, वे अन्य योग्यताएँ पूरी करते हैं तो उन्हें भी बुलाना पड़ेगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि 13 ग्रुपों में के लगभग 12,000 पद बनते हैं। इन सभी ग्रुपों के लिए परीक्षा पंचकुला जिले में होगी। ठीक है जी, और 35,000 पदों पर भर्ती, आपको पता 12,000 तो यही होगी। जुलाई के पहले सप्ताह में फिजिकल मेजरमेंट होगा, खत्री साहब जी ने कहा है, जुलाई के पहले में, जो कि गार्ड, डिप्टी रेंजर, जेल वार्डर जैसे पदों के लिए PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है जी, जुलाई के, अभी तक कहा जा रहा है, बाकी आप पक्का कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको भी पता है पिछले दिनों कितना टाइम लग रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, आयोग का फैसला, सिर्फ स्टे वाले पदों की परीक्षा नहीं लेंगे, अन्य सभी की परीक्षा होगी। भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो सिर्फ 3 कैटेगरी के पदों पर स्टे लगाई है, रोक लगाई हुई है, तो CET अधिसूचना के बाद 2266 पदों पर विज्ञापित जारी हुए थे, उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले रहे। अध्यक्ष जी ने ये जवाब दिया कि फैसला किया गया है, केवल उन्हीं पदों की परीक्षा नहीं ली जाएगी जिन पर हाई कोर्ट ने स्टे लिया हुआ है, 2266 पदों पर। अन्य ग्रुपों की लिखित परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी।
ठीक है, बाकी स्टे वाले छोड़कर बाकी उम्मीदवारों का क्लैश नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी की पांच पांच ग्रुपों में अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जहां उम्मीदवार का एक ही दिन में दो ग्रुपों में पेपर होगा तो उसे दोनों के लिए एक ही परीक्षा के अंदर अलॉट किया जाएगा, ताकि वह सुबह और भी पेपर दे सके और शाम को भी दे सके। यानी कि जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है जी, जो कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के लिए लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले सामाजिक आर्थिक मानदंड लेने वाले उम्मीदवारों का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। टीजीटी उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी न होने के अंक लेने के लिए योग्य उम्मीदवारों का दोबारा नाम मौका देगा। पदों के की कैटेगरी के अनुसार 3 से 5 गुना तक उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। टीजीटी उम्मीदवारों के लिए को सरकारी सेवा ना होने के 5 अंक देने का मौका मिलेगा। ये खबर भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है। भी जिनके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है तो टीजीटी पदों के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पदों के लिए उनको भी 5 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है कि जिन कैंडिडेट्स को आर्थिक सामाजिक मानदंड के अंग होंगे देने दिए जाएंगे मिलेंगे, उनका नाम वेबसाइट पर अपलोड सार्वजनिक किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। आयोग ने सीट स्कोर के अंक फाइनल कर लिए हैं। अब कोई भी उम्मीदवार अपने फाइनल अंक देख सकता है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने मंगलवार को दैनिक सवेरा को ये जानकारी दी है। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उम्मीदवारों से कहा था कि अगर किसी के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक क्लेम कर लिए हैं तो वह क्लेम छोड़ सकता है। लगभग 10,000 ने क्लेम छोड़े हैं और अन्य उम्मीदवारों ने जो क्लेम किए आयोग ने प्रारंभिक तौर पर स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए सीट स्कोर अब फाइनल हो गया है। अब उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना फाइनल स्कोर देख सकते हैं। सब अभी दूसरे उम्मीदवारों का स्कोर नहीं देख सकते। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि मगर आयोग ने फैसला किया है कि जब उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा तो उससे 3 4 गुना उन उम्मीदवारों से 4 गुना उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि अगर किसी को ऐतराज करना हो तो वह कर सके। इस बार आपत्ति जताने का तरीका भी बदल दिया है। यानी कि जो उम्मीदवार किसी उम्मीदवार के बारे में आपत्ति जताना चाहे तो वो अपने उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और उसके बाद आपत्ति जता सकेगा। जिसके बारे में आपत्ति जताई जाएगी उसे यह पता नहीं चलेगा कि किसने आपत्ति जताई है। जब उम्मीदवार को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा उस संबंधित दस्तावेज मांगे जाएंगे तब पता लगेगा। बस जो भी आपत्ति दिखताएगा, क्योंकि ये एक मामला है, क्योंकि जिनके सरकारी नौकरी नहीं है अब आयोग घर घर जाकर तो नहीं चेक कर सकता ना भी सरकारी नौकरी नहीं है, वो तो ऑनलाइन चेकिंग करेंगे। अगर ऑनलाइन में हाँ कोई कैंडिडेट त्राज जताता भी इस बंदे को क्यों मिले, नंबर नहीं मिलने चाहिए, तो वो अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी लेकर वेरीफाई करके तो उसके आपत्ति जताएगा, तो आयोग उसकी स्पेशल वेरिफिकेशन करेगा अलग से। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 3 से 4 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। जैसे कि अगर पदों की संख्या 30 है तो 5 गुना बुलाया जाएगा। ये अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो 150 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा होगी तो 4 गुना बुलाए जाएंगे, यानी कि 160। यहाँ पर ही 4 गुना 3 गुना ही बुलाए जाएंगे जी। और रही बात पुलिस पुरुष और पुलिस महिला सिपाही के चयनित शेष उम्मीदवारों को फिर आखिरी मौका मिलेगा, उन्हें भी बायोमेट्रिक मिलान का मौका दिया जाएगा। महिला सिपाही उम्मीदवार 13 जून को आयोग पहुंचेंगे, जबकि पुरुष सिपाही उम्मीदवार 14 और 15 जून को आयोग पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 900 उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक मिलान रहता है, उनका मिलान पूरा होते ही सीसीटीवी फुटेज या फोटो के साथ किया जाएगा, ठीक है जी, पूरा मिलान किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बहुत अपडेट बढ़ी रही है। इसी तरह की और भी बिग न्यूज़ जाने के लिए, बिग अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट खुशखबरी मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।